खंडवा सहित पूरे प्रदेश की प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डिंग होम एवं कमर्शियल के निर्माण कार्य हेतु संपर्क करें गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन सीएसपी ऑफिस के सामने बड़ा बम चौराहा खंडवा मोबाइल नंबर 8435216707। का तुलनात्मक आंकड़ों का पीपीटी के द्वारा देखा गया और उसमें समीक्षा की गई कि लघु अधिनियम की कार्रवाई कितनी हुई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ कितनी हुई हैं और आपराधिक गतिविधियाँ दूसरे जो आईपीसी के अपराध हैं वो किस तरह के थे। लघु अधिनियम में कुछ शीर्षों में कुछ कम कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसी तरह से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में भी कुछ शीर्ष हैं जिसमें कम है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। जहाँ तक आईपीसी के अपराधों का प्रश्न है उसमें साधारण चोरी वाहन चोरियों में कुछ वृद्धि पाई गई है, लेकिन जो भी बड़ी वारदात हुई हैं लूट डकैती की घटनाएं हुई हैं चेन स्नेचिंग की हुई हैं सामान्यतः सभी रिकवर्ड हुई हैं, अच्छी बरामदगी हुई है और अपराधों में नियंत्रण अच्छा पाया गया है। एसटीएससी के अपराधों में मैंने देखा है तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है, महिला संबंधी अपराधों में ज़्यादा कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई है और जो नाबालिग बच्चियां जाती हैं उनमें रिकवरी की कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो खंडवा पुलिस के द्वारा जुलूस जो हुए हैं या जो भी और व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी बड़े रूप में सब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरे समीक्षा में पाया गया है कि आपराधिक गतिविधियों में बहुत अच्छा नियंत्रण रखा गया है। वो एस पी साहब से हमने थानावार समीक्षा तो की है आज और इनसे एक प्रतिवेदन मंगा है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उसका अलग से एक प्रतिवेदन भेजेंगे ताकि उनको पुरस्कृत किया जा सके। सर नेपाल अगर जो में एक मामला हुआ है सर हथियार चोरी का 17 राइफल चोरी हुई है सर एक वन चौकी। हाँ जी, ये नेपानगर थाने के अंतर्गत जो वन चौकी है वहाँ से जो 17 बंदूकें ले जाई गई थी उसमें डकैती का प्रांगण कायम हुआ है और उन बंदूकों की बरामदगी भी कर ली गई है। कल से ही कलेक्टर एसपी दोनों लगे हुए थे उसमें और आईजी साहब कमिश्नर साहब भी आए थे मौके पर, मैं भी गया था तो पुलिस के और सभी के संयुक्त प्रयास से वो आज राइफल बरामद और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। सर बाल अपराधों को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह से उसमें विवेचना हो रही है? देखिए बाल अपराधों के प्रति निश्चित तौर से पुलिस अधीक्षक और जिले के अधिकारियों को संवेदनशील रहने के लिए सबको बताया गया है और इस संबंध में पुलिस लाइन से गाइडलाइन भी हमारी है कि पहले हफ्ते में क्या कार्रवाई करनी है, द्वितीय हफ्ते में क्या कार्रवाई करनी है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें बरामदियां भी बहुत अच्छी हो रही हैं। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।